बुधवार को मुस्लिम समाज के जिम्मेदार लोगों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर थाना कोतवाली में दर्ज 3 तलाक के मामले को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि अनिस खां, कनिस खां और उनके पिता रसिद खां माता गुलशन बेगम के विरुद्ध पुलिस कोतवाली टीकमगढ़ द्वारा दहेज एक्ट, 3 तलाक व मारपीट का मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है, जिसकी निष्पक्ष जांच कराने के लिए पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपा गया। जानकारी अनुसार रसिद खां व उनकी पत्नी गुलशन अत्यधिक वृद्ध एवं बीमार है और शादी के बाद से पुत्र व बहू शबनम से किसी भी प्रकार मतलब व सरोकार नहीं है, क्योंकि बहू शबनम शादी के बाद से ही अलग किराए के मकान में रहती रही है, जिसकी जाँच न्यायहित व अपने वरिष्ठ अधिकारी से कराई जाना आवश्यक है। मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आश्वासन दिया है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। आपके सामने ही हुआ है, उनका ये कहना है कि ये महिला काफी दिनों से उनके पास नहीं रहती है और उसमें इनके परिजनों को गलत फंसाया गया है, जिसकी हमने जाँच के लिए DSP रिया सिंधी मैडम को जो है डेप्यूटेट किया है। उसमें जो भी तथ्य होंगे बारीकी से हम जाँच करेंगे और विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। किसी को अनावश्यक जो है उसमें फंसाया नहीं जाएगा और सारे तथ्य उसमें एकत्रित किए जाएंगे। अनिस खान के द्वारा बताया गया है कि न्यायालय द्वारा मैंने 2 नोटिस उनको पहले भेज चुके थे, वो सब चीज़ें आ जाएंगी। जो भी लीगल उसका पक्ष होगा उसको भी सुना जाएगा, जो भी उसमें सारे सबूत होंगे जितने विधिक होंगे हम उनको ग्रह करेंगे और जो ऐसी बात अगर कोई होगी जो ग्रह योग नहीं है तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। आवेदन दिया है, क्या समस्या? पिछले 4-5 दिन पहले जो अनिस खान मंसूरी बिरादरी के हमारे सदस्य भी हैं और हम लोग बीच में रहते हैं, वो बहुत ही एक जो नेक इंसान हैं, उनके ऊपर उनकी पत्नी के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं वो बिल्कुल निराधार हैं। विशेष तौर से जो उनके माँ बाप हैं रशीद खान और उनकी माता जी, वो तो बेचारे बहुत ही वृद्ध हैं और वो बीमार चलते हैं और उनका नाम लेकर के जो है उन्होंने FIR कराई है जो कि बिल्कुल निराधार है। उसी के संबंध में मैं मंसूरी बिरादरी का नायब सदर होने के नाते हमारे सदर साहब भी साथ में मौजूद थे, मंसूरी बिरादरी के सारे सदस्य और समाज के लोग भी थे। आज हम लोग SP साहब को ज्ञापन देने आए थे कि इसकी जांच करा करके और इन लोगों को FIR से बाहर किया जाए, इसलिए हम लोगों ने SP साहब को आज ज्ञापन दिया है। आप लोग क्या मानते हैं, झूठा आरोप लगाया गया उनकी पत्नी? बिल्कुल झूठा है, क्योंकि इस परिवार को हम लोग बहुत सालों से जानते हैं, अभी से नहीं बहुत सालों जानते हैं, समाज के बीच में काम करते हैं, जो लोग समाज के बीच में रहते हैं और इनके माँ बाप तो बहुत ही नेक हैं और वो लड़का है जो जिसका नाम अनिस खान है वो भी बहुत नेक लड़का है, उसके बारे में हम लोगों को कभी भी कोई शिकायत नहीं आई है। पिछले 20 साल से तो मैं मंसूरी बिरादरी का निर्वाचित सेक्रेटरी और अभी नायब सदर बन गया हूँ और हम लोगों को पता है, प्रत्येक परिवार को जानते हैं, इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि आज SP साहब को ज्ञापन दिया जाए और उसकी निष्पक्ष जांच करा करके FIR को रेस्ट किया जाए। हमारे साथ में हमारे सदर अब्दुल गफ्फार भी मौजूद हैं और हम सभी मंसूरी बिरादरी के लोग यहाँ पर आए थे और हम सभी को आपके माध्यम से बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।